सेलिब्रिटीज हु प्रमोटेड एंड्रॉइड यूजिंग आईफोन। ट्विटर फॉर एंड्रॉइड इस लाइन से तो आप सभी वाकिफ होंगे, और अगर आप भी ट्विटर यूज करते हो तो ये लाइन उन ट्वीट्स के नीचे शो हो जाती है जो कि आईफोन से किए जाते हैं, और वही एंड्रॉइड फोन से ट्वीट करने पर शो होता है ट्विटर फॉर एंड्रॉइड। तो अब ऐसे में सोचे कि एंड्रॉइड फोन बनाने वाली कंपनी लाखों या कई बार करोड़ों रुपए देकर किसी सेलिब्रिटी से अपने फोन का प्रमोशन करवाती है, तो सेलिब्रिटी की जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रमोशन अच्छे से करे। लेकिन तब क्या हो जब ये लाखों करोड़ों के प्रमोशन एक ब्लंडर में बदल जाए। यानी मैं सरल भाषा में समझाऊं तो क्या आप एक ऐसे इंसान के कहने पर एंड्रॉइड फोन खरीदना चाहोगे जो खुद ही आईफोन यूज कर रहा है। अब आप भी कहेंगे कि भाई ये क्या बात हुई, ये सेलिब्रिटीज कैसे नशे में कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ ऐसे ही कुछ सेलिब्रिटीज जिन्होंने इस प्रकार के कारनामे किए हैं। नंबर 5 पर है अनुष्का शर्मा कोहली। मिसेस कोहली को तो आपने गूगल के कई सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विस को प्रमोट करते हुए देखा ही होगा। साल 2018 में अनुष्का ने गूगल पिक्सल को अपने ट्विटर अकाउंट से प्रमोट कर रही थी, बट टेक यूट्यूबर मार्कस ब्राउनली ने अनुष्का की इस प्रमोशन एक्ट की एक मिस्टेक पकड़ ली थी, जिसमें वे ट्विटर में वाई आईफोन गूगल पिक्सल को प्रमोट कर रही थी। नंबर 4 पर है कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ जो कि बॉलीवुड में एक दशक से भी ज्यादा काम कर चुकी हैं, वे भी इस एडवर्टाइजिंग ब्लंडर में पकड़ी गई थी। दरअसल साल 2018 में कैटरीना रेडमी वाई वन को प्रमोट कर रही थी जो कि एक एंड्रॉइड फोन है। कैटरीना इस फोन को इंस्टाग्राम में प्रमोट कर रही थी, बट वे जिस इंस्टाग्राम स्क्रीन से प्रमोट कर रही थी वो तो आईफोन का निकला। हालांकि रेडमी की मार्केटिंग टीम को जब ये पता चला तो उन्होंने उस इंस्टा एड को अपडेट कर दिया, बट जिन लोगों ने भी वो आईफोन का इंस्टाग्राम स्क्रीन देखा होगा वे तो हंस हंस के पागल ही हो गए होंगे। नंबर 3 पर है सानिया मिर्जा। इंडियन टेनिस स्टार सानिया मिर्जा भारत के कुछ हाईली एंडोर्सिंग स्पोर्ट्स पर्सन में से एक है जिन्होंने कई बड़े ब्रांड्स को एंडोर्स किया है। साल 2017 में उन्होंने ट्विटर में एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड OnePlus 3T की तारीफ करते हुए उसे प्रमोट किया था, बट उन्होंने ये ट्वीट तो iOS के गूगल फोन से किया था। सानिया जी आपने भी कमाल ही कर दिया। नंबर 2 पर है गल गैडट। मार्वल स्टार और हमारी वंडर वुमन गल गैडट की तो हर एक्टिविटी पे लोगों की नजर होती है। साल 2018 में उन्होंने एक नया फोन लेने के ऊपर ट्वीट किया था, और इस तरह उन्होंने हवाई मेड प्रो 10 को प्रमोट किया था, पर हमारे मार्कस ब्राउनली भैया को कहां चैन था। उन्होंने इनकी गलती को पकड़ लिया और पूरी दुनिया को बताया कि ये ट्वीट तो आईफोन से कर रही है। अब ये तो सेलेब्स या उनके सोशल मीडिया मैनेजर्स को समझाने वाली बात है। ऐसे डील्स में कई पैसे लगाती है कंपनीज, और इन छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से न सिर्फ सेलिब्रिटी का बल्कि कंपनी का भी काफी नाम खराब होता है। वैसे अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये इन सेलिब्रिटीज से भी बड़ी गलती होगी। जी हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना आवश्यक है। चलिए मैं नंबर 1 भी बता ही देता हूँ आपको। नंबर 1 पर है एलन डीजेनरेस। एलन डीजेनरेस की उस मोस्ट वायरल सेल्फी को तो आप जानते ही होंगे। जी हाँ, मैं उसी सेल्फी की बात कर रहा हूँ जिसने पूरी दुनिया में सेल्फी के ट्रेंड को पॉपुलर किया था। ये सेल्फी एंड्रॉइड बेस्ड सैमसंग गैलेक्सी नोट 3 फोन से ली गई थी, और आश्चर्य की बात तो ये है कि एलन ये वायरल सेल्फी लेने के बाद बैक स्टेज में चली गई थी, और उसने एक्टर चैटिंग टोटम के साथ भी एक सेल्फी ली और उसे ट्वीट किया, बट इस ट्वीट से पता चला कि उन्होंने चैटिंग टोटम के साथ जो सेल्फी ली थी वो सैमसंग से नहीं बल्कि आईफोन से ली गई थी। अब बेचारे सेलिब्रिटीज पहले ही तो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, और ऊपर से किसी कंपनी के फोन से ट्वीट या पोस्ट कर रहे हैं, वो सब भी ध्यान में रखे क्या? अरे ये तो गलत बात है। चलिए अब हम कर ही क्या सकते हैं, हम तो बस ऐसे मोमेंट्स पर हंसी सकते हैं, क्योंकि जब जब ऐसा होता है तो कंपनीज को इससे एक और ये फायदा होता है कि उनका फ्री में प्रमोशन हो जाता है, और ये तो होता था, होता है और होता ही रहेगा। चलिए बाकी हम मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस।